उंटिंग फॉर लेबर लेक्चर नंबर ट्वेल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर लास्ट क्वेश्चन में जिसकी लिंक पास आ रही है, आई कार्ड में आपके पास लिंक आ रही है उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस कंडीशन में रोहान एंड से मेथड में बोनस इक्वल होता है अब हम उसको प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेतेम फॉर जॉब इज एट अर्स एंड अर्ली रेट इज हंड्रेड रुपीज प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्न टोटल अर्निंग ऑफ एम्प्लॉ एंड अर्ली अर्निंग टोटल बोनस कितना मिला टोटल एम्प्लॉय की अर्निंग कितनी है और अर्ली अर्निंग कितनी होगी अंडर हेल्थ प्लान विथ फिफ्टी परसेंट बोनस फॉर टाइम सेव एंड रोवन प्लान फॉर ईच एर्स सेव्ड

अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना so दोनों मेथड में एक डिटेल चार्ट बनेगा कि हर एक आवर्स पे अगर एक घंटे पे काम अगर जो एट आवर्स का काम है एक आवर्स में काम हुआ वन आवर में काम हुआ तो कितना बोनस मिलेगा दो घंटे में काम किया तो कितना बोनस मिलेगा घंटे में काम किया तो कितना बोनस मिलेगा एंड सो ऑन अगर एट आवर्स में काम किया एट अवर्स स्टैंडर्ड से और एट आवर्स में ही काम किया तो कोई बोनस नहीं मिलेगा लेट्स मूव टू सॉल्यूशन कंडीशन नंबर फर्स्ट कॉलम हम बना रहे स्टूडेंट टाइम कॉलम ए जिसके अंदर एट आवर्स स्टैंडर्ड टाइम है सेकंड टाइम सेकंड कॉलम है एक्चुअल टाइम के एक्चुअल कितना टाइम लग रहा है एट आवर्स फाइव फोर आवर्स कितना टाइम लग रहा है तो टाइम सेव कितना जीरो तो आवर्स कोई, कोई फिर एक और सेव होगा दो सेव होंगे ग्रेजुअली सेविंग ऑफ अवर्स आपकी इंक्रीज होगी अगर आपका एक्चुअल टाइम कम होगा तो वेज रेट स्टैंडर्ड है जितने एक्चुअल काम हुआ है उसमें हंड्रेड रुपीज पर और काम हंड्रेड रुपीज पर और वेज रेट है अब बोनस हेल्थ से बोनस प्लान का फॉर्मूला क्या है फिफ्टी परसेंट ऑफ मल्टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर और, पर और जो हंड्रेड रुपीज है टाइम सेव टोटल की से उसका फिफ्टी परसेंट आपको बोनस मिलेगा तो इस फॉर्मूले के तहत हमने जस्ट यहाँ पे कैल्कुलेशन दी है और फार्मूले की वर्किंग दी है फॉलो फॉर्मुले के अंदर वॉल्यूम वर्किंग नंबर वन में बोनस की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी एम्प्लॉ ने अगर स्टूडेंट टाइम्स एट आवर्स है और एक्चुअल टाइम है तो कोई सेविंग नहीं है तो बोनस भी नहीं होगा अगर एक घंटा वन आवर सेव होगा तो बोनस अर्न फिफ्टी रुपीज है जिस हिसाब से आवर्स नंबर ऑफ आवर्स सेविंग इनक्रीज हो रही है उस हिसाब से आपको बोनस भी इनक्रीज हो रहा है सेकेंड नंबर टोटल अर्निंग टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या है एक्चुअल टाइम जो एक्चुअल टाइम आपने काम किया है मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर और प्लस बोनस तो आपके पास एट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड प्लस जीरो फर्स्ट कंडीशन में एट हंड्रेड रुपीज टोटल अर्निंग आ रही है और ग्रेजुअली आपकी अर्निंग टाइम भी कम स्पेंड कर रहे हैं और आपकी इनकम भी जो अर्निंग जो है आपकी वो भी डिक्रीज हो रही है थर्ड रिक्वायरमेंट थी अर्ली अर्निंग टोटल अर्निंग डिवाइड बाय एक्चुअल एक्चुअल टाइम डिवाइड किया तो आपके पास ग्रेजुअली आपके पास अर्निंग पर और इंक्रीज हो रही है फर्स्ट कंडीशन में हंड्रेड रुपीज पर हंड्रेड वन जीरो सेवन वन सेवनटीन सो ऑन आपके पास ग्रेजुअली आपके पास सडनली इंक्रीज आ रहा है इस कंडीशन में हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में जिसका अभी भी आइकॉन में आपके पास लिंक आ रहा है उसमें हमने बात की थी कि अगर हेल्से का एक्चुअल टाइम और एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम अगर इक्वल है सॉरी हाफ ऑफ द टाइम अगर एक्चुअल टाइम है तो आपके पास जो हेल्थ और रोवान के अंदर बोनस दोनों इक्वल होंगे तो अब यहाँ पे जब स्टैंडर्ड टाइम एट आवर्स एक्चुअल टाइम अगर फोर आवर्स है तो आपके पास जो बोनस है वो टू हंड्रेड रुपीज है पे हैं रोहान के मेथड में डिस्कस करते सेम कंडीशन स्टूडेंट टाइम्स एक्चुअल टाइम टाइम सेव और वेज रेट ये बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ और सिर्फ सेम चार्ट को आपने टाइम टेक डिवाइड स्टूडेंट टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट मल्टीप्लाई टाइम में तो टाइम सेव जीरो जीरो ही फोकस ही नहीं किया कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब टाइम सेव जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब चीज जाएगी अब टाइम टेक इन अगर एट आवर्स है और एक्चुअल टाइम जो है आपके सेवन डिवाइड बाय करेंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट रेट पर आवर कितना है हंड्रेड रुपीज मल्टीप्लाई बाय आवर अगर सेव होगा तो फर्स्ट कंडीजन में एटी सेवन पॉइंट फाइव मीन जब एक वन आवर सेव हुआ तो एटी सेवन पॉइंट फाइव का बोनस होगा टू ओवर सेव होंगे तो बोनस इंक्रीज हो जाएगा थ्री ओवर होगा तो बोनस और इंक्रीज हो जाएगा सो ऑन बोनस आपके पास इंक्रीज हो रहा है टोटल अर्निंग बोनस प्लस टाइम रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट तो आपके पास ग्रेजुअली आपके पास इनकम देखें टोटल अर्निंग 800 है और ग्रेजुअली आपके पास अर्निंग आपकी डिक्रीज हो रही है बोनस आपका इंक्रीज हो रहा है मगर अर्निंग आपकी डिक्रीज हो रही है अवरली अर्निंग आपके पास आ रही है अर्ली अर्निंग में अर्ली अर्निंग आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है अब प्रीवियस कंडी प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूटी में जो हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि रोवान का अगर एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड का 50 परसेंट होगा तो रोवान एंड हेल्से में बोनस इक्वल होगा अब दोनों कंडीशन में आप देख लें दोनों कंडीशन में रोवान एंड हेल्से में बोनस जो है जब एट आवर्स स्टैंडर्ड है एक्चुअल फोर है तो दोनों कंडीशन में जो बोनस है वो है टू हंड्रेड वी कैन से अंडर स्कीम बोनस विल बी मैक्सिमम व्हेन हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू द एक्चुअल टाइम इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी डिमांड रिकॉर्डिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन comments thank you a